بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ففواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم يدري محترم عظيم نقوي صاحب जिन्होंने शर्मदारी का आगाज बाकायदा तिलावत बाप से किया। अभी भी जो हजरात इमाम बारगाह के सहन में तशरीफ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बराए करम फर्श अदब तशरीफ लाए। हिंदुस्तान के
माया ना सोचना मोहतरम जनाब समर रजा अली साहब को आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी सोच के जरिए से इस मजलिस का आगाज करें। जो हजरात इधर उधर पड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम फर्श अदब तशरीफ रखें, फर्श पे भी काफी जगह है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हर पे इत्तेमाद लेके बढ़ रहा हूँ मोहतरम जनाब समर रजा अली साहब, मोहतरम जनाब आजिज रजा अली साहब उनके हमनवा से कि वो आए और सोचानी के प्रयास को अंजाम दे। आप हजरात बदल तरीन सरकार से इस्तेफार करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد काम कहता है कोई शहीद कोई तश्न का सलवात।
सफर मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा इसी उम्मीद पे तो जारी है जिंदगी का सफर मेरा हुसैन मुझे करबला बुला एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात आदमी फूलता फलता है आज़ादारी से आदमी फूलता फलता है आज़ादारी से ठोकर खा के संभलता है आज़ादारी ठोकर खा के संभलता है आज़ादारी मैं मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहता लेकिन जो यजीदी है वो जलता है कुछ भी नहीं कहता लेकिन जो यजीदी है वो जलता है आज़ादारी से आदमी फूलता ऊपर करके छोड़ो ऊपर ऊपर करके छोड़ो हाँ ऊपर अब छोड़ो एक नारे सलवार बैठ ही नहीं सह पाएगा वो बेटी नहीं सर स्टूल इधर कर दिया थोड़ा भाई स्टूल थोड़ा इस तरह अच्छा बना हुआ चलो एक और सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद हजरत सलाम के चंद शेर समाप्त करें ईमान का सूरज कभी ढलते नहीं देता
सूरज कभी ढलते नहीं देगा, ज़ुल्मत को उजालों में संभलते नहीं देखा, ईमान का सूरज कभी ढलते शेर मुलाजा करेंगे तो दुनिया नजर आई है सरेराह तरक्की, दुनिया नजर आई है सरेराह तरक्की, हासिद को मगर फूलते फलते नहीं दे, हासिद को मगर फूलते फलते नहीं देखा, ईमान का सूरज कभी ढलते शेर मुलाजा करेंगे सर, सरवर की आजादारी से टकराया है जो भी, सरवर की आजादारी से टकराया है जो भी, उसका कोई अरमान निकलते नहीं दे, उसका कोई अरमान निकलते नहीं देखा, ईमान का सूरज कभी ढलते नहीं। शेर मुलाजा करें, जिंदा जो रही बुग्जो अदावत की फजा में, जिंदा जो रही बुग्जो अदावत की फिजा में, उस कौम की तकदीर बदलते नहीं दे, उस कौम की तकदीर बदलते नहीं दे, ईमान का सूरज कभी ढलत। इस शेर पे खास तवज्जो चाहता हूँ, जो मजलिसे शब्बीर में सब कुछ है लुटाते, जो मजलिसे शब्बीर में सब कुछ है लुटाते, उनको कफे अफसोस भी मलते नहीं दे, उनको कफे अफसोस भी मलते नहीं दे, जो मजलिसे शब्बीर में सब कुछ है लुटाते, उनको कफे अफसोस भी मलते नहीं दे, ईमान का सूरज कभी ढलते। शेर मुलाजा करें जनाब अब्बास के हवाले से, दरिया की तरफ आती हो क्यों शाम की फौजों, दरिया की तरफ आती हो क्यों शाम की फौजों, क्या शेर को साहिल पे टहलते नहीं दे, क्या शेर को साहिल पे टहलते नहीं, दरिया की तरफ बढ़ती हो क्यों शाम
की फौजों क्या शेर को साहिल पे टहलते नहीं दे ईमान का सूरज कभी ढलते। आखिरी शेर मुलादा करें। अंगारों पकड़ते हैं जो माता शहीदी का, अंगारों पकड़ते हैं जो माता शहीदी का, उनमें से किसी एक को जलते नहीं दे, उनमें से किसी एक को जलते करते हैं जो माता शहीदी का, उनमें से किसी एक को जलते नहीं देखा ईमान का सूरज कभी ढलते। मक्ता मुलादा करें। हर हूँ नसीम अपने को मसरूर, हर हाल में रखता हूँ नसीम अपने को मसरूर, किस्मत के लिखे को कभी टलते नहीं, किस्मत के लिखे को कभी टलते नहीं देखा ईमान का। मर्सी एक चंद फातिहा। दो तीन बना दे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, वक्त की दामन में गुंजाइश नहीं, इसलिए दो तीन बन समाप्त करें। सज्जाद को जिंदा में असीर देखा, जब हिंद ने सज्जाद को जिंदा में असीर, अरे पूछा क्या पहन हो, फरमाया के तो को जंजीर, मुझे इस वक्त है अंधो है कसी, क्या खता थी जो हुए कहे कहा बेतकसी, हाल पूछा तो कहा मुरीदे आफात है हम, अरे पूछा क्या कौम है, फरमाया के सादा, क्या है कहा बेपदरी, रो के वो बोली दवा क्या है कहा नौहगरी, घर जो दरिया पिया कहने लगे दर बदर, अरे बोली लेता है खबर कौन कहा बेखबर, अरे बोली लेता है खबर कौन का
सबब पूछा तो शर्माने लगे। अरे ताजियानों के निशान पुश्त पे दिखलाने लगे, ताजियानों के निशान पुश्त पे। आखिरी बंद समाप्त करें। अरे बोली वो कौन सी इस यापा मिली ये ताजीर, अरे रो के फरमाया गुना कुछ नहीं हूँ बेतकसीर। उसने मुंह पीट लिया और कहा कब से हो असीर, अरे बोले दसवीं थी मुहर्रम के जो पहनी जंज, अरे बोले दसवीं थी मुहर्रम की जो पहनी जंज। कुछ कफन के लिए हमरा नहीं लाया, अरे बाप को बेगोरो कफन आया। कुछ कफन के लिए हमरा नहीं लाया, बाप को छोड़ के बेगोरो कफन आया हूँ देखा। ये थे मोहतरम सैयद समर रजा जैली साहब, जिन्होंने बाकायदा अपनी सोच के तरीके से इस शब दारी का आगाज किया। मौलाना मसूफ के इस्तकबाल में इन चार मिसरों को सवाल फरमाए, और हो सकता है इन चार मिसरों से जो लोग अभी तक फर्श रजा से दूर हैं वो भी करीब हो जाए। मोहतरम मरहूम अमर जौनपुरी के ये चार मिसरे हैं, समाज फरमाए कि सर जो शब्बीर की चौखट पे झुका देता है, सर जो शब्बीर की चौखट पे झुका देता है अपनी पाकीज़ा तबीयत का पता देता है, सर जो शब्बीर की चौखट पे झुका देता है अपनी पाकीज़ा तबीयत का पता देता है। सरजमीन कर्बला वो जमीन है कि अल्लाह ने जिस भी नबी को सरजमीन से गुजारा है वो परेशानी में मुब्तला हुए हैं, वो आने के बाद परेशानी में मुब्तला हुए। पूरी तारीख उठा के देख ले, जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक जिस भी नबी को अल्लाह ने सरजमीन कर्बला से गुजारा है वो परेशानी में मुब्तला हुआ है। अब सवाल फरमाए कि रन में जो बाप के हाथों पे आ गए असर, पर छपक के ही मौजों पे छा गए असर, तो ये नहीं है यहाँ जो भी आया गया है अजीब बात।
की बारगाह में हर तरह नमाज के लिए बोल रहा हूँ कि वो मुझे सफला फरमाए। आप فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وخاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لاك يا علي لما كان لفاطمة كفوا على وجه الأرض صلوات پڑھیں محمد وآلہ عظمت محمد وآلہ محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ لیجئے عزاداران امام مظلوم مومنین کرام اہل عزا اہل ولا اہل جونپور تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد اور توصیف اور ثنا اس پروردگار عالم کے لیے اس معبود حقیقی کے لیے اس رب حق توحید صمدی کے لیے اس معبود کے لیے اس پروردگار عالم کے لیے اس عزتوں کے خالق اور مالک کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں اور لا تعداد لا محدود ان گنت ان تھک پیہم لگاتار مستقل بے انتہا رحمتیں نازل ہوں ان معصوم چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں رحمتیں نازل ہوں درود و سلام ہو ان پاک مقرب ترین ہستیوں پر کہ جن کے چہرے رب کی مرضی اور غضب کے آئینے ہیں
नहीं वजाहत कर दूं, हमारे चेहरे के तासुरात बता देते हैं हम किससे खुश हैं और किससे नाराज हैं। चेहरे के तासुरात बॉडी लैंग्वेज बता देती है किससे राजी हैं किससे नाराज हैं। वो अल्लाह, वो खालिक मादा, वो खालिक जमान व मकान, वो मुसब्बिबुल अज़बाब, वो मादी चेहरा तो रखता नहीं, तो पता कैसे चले किससे खुश है और किससे नाराज है। तो इनके चेहरों को देखो, अगर ये तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगे तो समझ लेना मशीयत मुस्कुरा रही है, और अगर ये तुम्हें देखकर गजबनाक हो जाएं तो समझ लेना मशीयत भी तुम पर गजबनाक हो चुकी है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले में। एक शब्बेदारी वाली सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। देखिए इंशाल्लाह जौनपुर का ये मखसूस मजमा है कि अगर जाकिर खिताबत का हुनर रखता है तो यहाँ के सामईन सुनने का हुनर रखते हैं। इंशाल्लाह अगर आपकी तबीयतों ने और मिजाजों ने साथ दिया तो नेक नियति के साथ, मुखलिस नियत के साथ, विला के पर लगाकर हम इस अर्श फजाइल की तरफ परवास करने की कोशिश करेंगे। अगर मंजिल मकसूद तक ना भी पहुँचे तो मैं इंशाल्लाह आपको उस मुकाम पर ज़रूर पहुंचा दूंगा जहां से आपको कौसर की खुशबू महसूस होने लगेगी। अजीजाने मिल्लत, आज की इस शब में, शब्बेदारी की ये मजलिस है कि जिसका इनेकाद किया गया है, बहुत ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लेना है, 45 से 50 मिनट, अलविदाई मजलिस भी होनी है और मुझे भी लखनऊ जाना है क्योंकि कल 3 मजलिसों से खिताब करना है। आज की शब में उस पाक हस्ती और उस बीबी के मनाकिब और फजाइल का इजहार करना चाहता हूं कि जो हुकूमत की बेटी नहीं नबूवत की बेटी है, वो पाक हस्ती के जब नबी अपने जिस्म में जोफ महसूस करता है तो किसी तबीब के पास नहीं जाता, किसी हकीम के पास नहीं जाता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी वैद के पास नहीं जाता, बल्कि दरे सैयदा पर आकर सलाम करता है ये बताने के लिए कि नबी को शिफा इसी दर से मिलती है, उम्मत को शिफात भी इसी दर से मिलेगी। जिस हदीस को हमने सरनामा कलाम करार दिया, मशहूर व मारूफ सरकार दो आलम की यह हदीस है कि वो नबी के जिसका चलना मशीयत था, जिसका बोलना शरीयत था, जिसकी सांसें तिलावत थी, जिसकी नींद इबादत थी, जिसकी अक्ल कुरान थी, जिसकी फिक्र तफसीर थी, जिसका नफ्स नूर था, जिसका जिस्म नूर गर था, जिसके दिन की घड़ियां मुकद्दस थी, जिसकी रातें तथीर थी, जो लबों को जुम्बिश देता था तो मशीयत कहती थी वमा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, ये तुम नहीं बोलते ये हम हैं जो तुम्हारी जबान से अपने कलाम को जारी करते हैं। ये वो नबी है कि जो कंकड़ियां फेंकता है तो मशीयत कहती है वमा रमैता इज रमैता वला किन अल्लाह रमा, ये तुमने कंकड़ियां नहीं फेंकी, ये हमारी कुव्वत नाफिजा थी जो तुम्हारे हाथों से कंकड़ियां फेंकवा रही थी। ये वो नबी है कि जब लोग इसके हाथों पर आकर बयत करते हैं तो सूरह फतह की 10वीं आयत में ऐलान होता है इन लजीना युबायूना का इन्नमा युबायून अल्लाह यदुल्लाहि फौका एदेहिम, ए मेरे नबी ये लोग जो आपके हाथों पर आकर बयत करते हैं ये आपकी बयत नहीं करते, ये मेरी बयत करते हैं। जिसका बोलना उसका बोलना, जिसका अमल उसका अमल, जिसकी बयत
उसकी बयत कि अगर मुसलमान हो, कलमा गो हो, दीने हनीफ पर यकीन रखते हो, कुरान मजीद पर, फुरकान हमीद पर, सचो बातिल, हक और बातिल के मयार पर, सचो झूठ के मीज़ान पर, फुरकान हमीद पर अगर यकीन कामिल है तो तुम्हें बयत करनी होगी माबूद की, परवरदिगार की, अल्लाह की, रब हकीकी की। लेकिन वो मादी हाथ तो रखता नहीं, तो सूरह फत की आयत ने रहनुमाई कर दी, जाओ नबी के हाथों पर जाकर बयत कर लो, मेरी बयत हो जाएगी। तो अगर यदुल्ला का कोई मिज़दाक़े अव्वल है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा है कि जाओ बयत करो नबी के हाथों पर, मेरी अगर बयत करनी है तो। और अगर नबी मौजूद ना हो तो उसके हाथों पर बयत कर लेना जिसके हाथ नबी के ही हाथ हैं। अल्लाह की बयत करनी है, अल्लाह के मादी हाथ है नहीं। कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह, यदुल्लाही फौका ऐदेहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है, जाओ मेरे नबी के हाथ पर जाकर बयत करो, अल्लाह की बयत हो जाएगी। नबी ना हो तो अली के हाथों पर बयत कर लो, अली ना हो तो हसन के हाथों पर बयत कर लो, हसन ना हो तो हुसैन के हाथों पर बयत कर लो। हुसैन की बयत, हसन की बयत, हसन की बयत, अली की बयत, अली की बयत, नबी की बयत, नबी की बयत, खुदा की बयत। तो जब हुसैन की बयत खुदा की बयत है तो हुसैन से बयत, हसन से बयत, हसन से बयत, अली से बयत, अली से बयत, नबी से बयत, नबी से बयत, खुदा से बयत। तो ये यजीद ने हुसैन से सवाल बयत नहीं किया था, ये तागूत वक्त ने अल्लाह से सवाल बयत किया। मौलाना हैदर मेहंदी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, गोयली सादात से हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं मजलिस सुनने के लिए। इनकी जो है वो तवील उम्र के लिए और सेहत और सलामती के लिए अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन सलवात। इधर तशरीफ़ ले आइए, अल्लामा इधर इधर आइए। तो ये वो नबी है कि जिसके दहन में अपनी जबान नहीं, मशीयत की जबान है, उसी जबान पाक से ये अल्फाज सादिर हुए, लौ लाका या अलीयुन लमा कान लिफातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्ज। तवज्जो, अली अगर आप ना होते, नजमी भाई अल्लामा, अली अगर आप ना होते, लौ लाका या अलीयुन लमा काना लिफातिमता कुफुवन अला वजहिल अर्ज। अली अगर आप ना होते, आप ना होते, आप ना होते, तवज्जो, आप ना होते, अली अगर आप ना होते तो रूए जमीन पर जहरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता। लौला का, लौला का या अली लमा कान अली फातिमाता कुफुवन अला वजहिल अर्ज। अली अगर आप ना होते, लौला का या अली लमा कान अली फातिमाता कुफुवन अला वजहिल अर्ज, तो रूए जमीन पर जहरा का कोई हमसर ना होता, जहरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता, जहरा के कोई बराबर ना होता, जहरा का कोई कुफो ना होता। अगर नबी ये फरमाते कि फातिमा, जहरा, बतूल, होरा, जकिया, ताहिरा, कुदसिया अगर आप ना होती तो अली के कोई बराबर ना होता, तो फजीलत अली की थी। अगर नबी ये फरमाते फातिमा तुम ना होती
तो अली के कोई बराबरी करने वाला ना होता, अली का हमसर कोई ना होता, अली का कुफो कोई ना होता। लेकिन नबी ने यह नहीं फरमाया, बल्कि इसके बरक्स फरमाया, अली अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम ना होते, तो रूए जमीन पर जहरा का कोई हमसर ना होता, जहरा के कोई बराबर ना होता, जहरा का कोई कुफो ना होता। तो फिर फैसला होना चाहिए कि फातिमा ने अली की बराबरी नहीं की, बल्कि अली ने फातिमा की बराबरी की। लौला का या अली लमा काना लिफातिमता कुफुवन अला वजहिल अर्ज। अली अगर आप ना होते तो फातिमा की बराबरी कौन करता, फातिमा का हमसर कौन होता, फातिमा का कुफो कौन होता। तो इसका मतलब फातिमा ने अली की बराबरी नहीं की, अली ने फातिमा की बराबरी की है। यही सबब है, यही वजह है कि दुनिया का तरीका यह है अजीजान मोहतरम कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां फख्र करती हैं, मेरा शौहर वजीर, मेरा शौहर मिनिस्टर, मेरा शौहर वकील, मेरा शौहर जज, मेरा शौहर वकील, मेरा शौहर ऑफिसर, मेरा शौहर ताजिर, मेरा शौहर कामयाब, मेरा शौहर इतने आले मनसब पर फाइज है, इतने अजीम मर्तबे पर फाइज है। दुनिया का तरीका यह है अजीजा ने मिल्लत कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियों को फख्र करते हुए देखा जाता है। लेकिन ये तारीख इंसानियत की वो वाहिद खातून है जिसके अली जैसे शौहर ने फख्र किया है कि मैं बतूल का शौहर हूं। शौहर ने फक्र किया कि मैं बतूल का शौहर हूं, मैं फातिमा का शौहर हूं, मैं फातिमा का जहरा का शरीक हयात हूं। वो अली के जो नूर अव्वल, खलखे अव्वल, रूह अव्वल, जिसम अव्वल, शऊर अव्वल, इश्क अव्वल, वजुल्ला, ऐनुल्ला, लिसानुल्ला, यदुल्ला, जंबल्ला, खासतुल्ला, खजाइन अल्लाह, सिर अल्लाह, शाह विलाया, शेर मर्दा, शाह यजदा, कुवत परवरदिगार, अर्श पे औला, गदीर का मौला, साकी कौसर, अमीरुल मोमिनीन, जिसके अली जैसे शौहर ने फख्र किया कि मैं बतूल का शौहर, मैं फातिमा का शौहर, मैं जहरा का शरीक हयात। हाकिम शाम ने मौला अली को एक खत लिखा और मौला अली ने उसका जवाब दिया और उस खत में हाकिम शाम ने, गरीब शाम ने अपने खानदान की जाली फजीलतों का इजहार किया। जाली हकीकत जिसमें जाली फजीलतों का, अगर हकीकत में कुछ होती तो जाली ना होती। मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा खानदान ऐसा, उमैया ऐसा, जाली फजीलतों का इजहार किया अली के सामने। अली के सामने एक वाकया
मेरे जहन में उभर रहा है, और उस वाक़े में एक जुमला है इमाम हसन का क़िबला, कि एक बार मौला के सामने ऐसे ही मिंबर पे से, बसरा के मिंबर पे से मौला हसन के सामने अपनी ख़ानदान की फजीलतों का, नकली जाली खुद साख्ता, खुदा खुदा साख्ता फजीलतें और होती हैं, खुद साख्ता फजीलतें और होती हैं, जो खुद साख्ता फजीलतें होती हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, कुरान उन्हें याद नहीं होता, और जो खुदा साख्ता होती हैं वो रहले नबूवत पर आती हैं तो कुरान मजीद की तिलावत करके सुना। तो एक मरतबा इमाम जब तकरीर ख़त्म हो गई, खुतबा ख़त्म हो गया हाकिम का, तो मौला ने हसन ने कहा ठीक है, तू अपनी ख़ानदान की फजीलतों का इजहार मेरे सामने कर रहा है तो सुन। इस लफ्ज़ सुन ने वही नगमा पैदा किया जैसे लबे एजाज़ मशीयत कुन कह दे। सुन, तू मेरे सामने अपनी ख़ानदान की फजीलतों का इजहार करता है तो मैं अपना शजरा अपने बाप अली से लेके आदम तक, मैं अपना शजरा अपने बाप अली से लेके आदम तक और अपनी माँ फातिमा से लेकर हव्वा तक बबांगे दोहल तेरे दरबार में बयान करता हूँ, तू अपना शजरा मेरे कान में आकर सुना दे। मैं अपना शजरा अपने बाप अली से लेके आदम तक और अपनी माँ फातिमा से लेके हव्वा तक बब्बांगे दोहल तेरे दरबार में बयान करता हूँ, तू अगर इतना ही फख्र कर रहा है तो अपना शजरा मेरे कान में आके सुना। तो मौला अली ने उसका जवाब दिया, उस खत का जवाब दिया, लेकिन मंजूम जवाब दिया, नज़्म की शक्ल में, मिसरों की शक्ल में मंजूम जवाब मौला अली ने हाकिम शाम को दिया। ये आज भी तारीख के अंदर मौजूद है मौला का खत। तो उधर हाकिम शाम की जाली फजीलतें और इधर अमीरुल मोमिनीन की हक गोई जिस पर इन्नमा की मोहर सब थी, क्योंकि वो खुद मिज़दाक इन्नमा था, मिज़दाक हल अता था, मिज़दाक कौसर था। अली ने लिखा खत जवाब में, लेकिन मंजूम जवाब दिया नज़्म की शक्ल में, सुनाने लगा हूं आपको उस नज़्म का मतला। मेरे मौला ने लिखा सबक्तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा मुकर्रबिन नबुव्वते बतनी उम्मी, सबक्तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा मुकर्रबिन नबुव्वते बतनी उम्मी, तुम कल के मुसलमान, तुम कल के मुसलमान सबक्तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा, तुम कल के मुसलमान। वजाहत मैं कर देता हूं, फतेह मक्का के बाद चोर दरवाजे से दाखिल होकर सहने इस्लाम में, फतेह मक्का के बाद चोर दरवाजे से दाखिल होकर सहने इस्लाम में बैठकर चोर दरवाजे से दाखिल होकर सहने इस्लाम में बैठकर मुसलमानों की रिदा ओढ़कर अपने आप को सहाबियत का जाली सर्टिफिकेट देकर अपने आप को सहाबी और मुसलमान कहलाने वाले, तुम कल के मुसलमान मुझ अली पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हो। सबक तो कुम इलल इस्लामी तुर्रा। अब मौला क्या कहते हैं,
مقرب النبوت بطنی امی, تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو, حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود تھا. اس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود تھا. یہی سبب ہے کہ جب نبی آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد پہ تعظیم کھڑی ہو جاتی ہے. نبی کہتے تھے چچی جان آپ کا مرتبہ میری ماں کی برابر ہے, آپ تعظیم کے لیے پہ تعظیم کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی تھی یتیم عبداللہ میں آپ کی تعظیم نہیں کرتی بلکہ جو بچہ میرے شکم میں ہے مجھے آواز دیتا ہے ماں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جا, کائنات کا رسول آ رہا ہے. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی وجعفر الذی یزہی ویمسی یتیر مع الملائکۃ ابن عمی. اور وہ جو جنت کی فضاؤں میں ملائکہ کے ساتھ صبح اور شام اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے وہ جعفر تیار کسی اور کا نہیں علی کا ما جایا ہے. وجعفر الذی یزہی ویمسی صبح اور شام یتیر مع الملائکۃ ابن عمی, وہ علی کا ما جایا ہے, وہ علی کا بھائی ہے. اب مقطع سنانے لگا ہوں اس کا. مولا کہتے ہیں بنتی محمد سکنی و ارسی, میں بتول کا شوہر ہوں, میں فاطمہ کا شوہر ہوں, میں زہرا کا شریک حیات ہوں. توجہ چاہتا ہوں, پوری نظم پڑ جائیے آپ مولا کی. کسی ایک مصرے میں علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا داماد ہوں. علی نے یہ نہیں کہا میں نبی کا داماد ہوں. فخر کیا تو حسنین کے بابا کے ہونے کے اوپر, جعفر تیار کا بھائی ہونے کے اوپر, نبوت کی گواہی دینے کے اوپر. کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا داماد ہوں. کیوں نہیں کہا؟ کیا فضیلت نہیں ہے نبی کا داماد ہونا؟ ہے, لیکن علم غیب کا مالک جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے گا. علی نے قیامت تک کے لیے معیار تبدیل کر دیا, یہ مت دیکھو کون داماد تھا اور کون نہیں تھا, بلکہ یہ دیکھو کہ کون تھا جو بتول کا شوہر بنا ہے. کون ہے جو بتول کا شوہر بنا ہے؟ بنت محمد سکنی و عرسی, میں بتول کا شوہر, میں فاطمہ کا شوہر, میں زہرا کا شریک حیات. اسی لیے تو شاعر نے قیامت کر دی, اس سے زیادہ وزنی مصرے میری نظروں سے بی بی کے مناقب کے حوالے سے نہیں گزرے ہیں. شاعر کہتا ہے ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا, اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا,
रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी जहरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा, कौन करे तेरी सना आयाए तथहीर के बाद, कौन करे तेरी सना आयाए तथहीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले में, एक और बेदारी और शब बेदारी वाली सलावात, है अली। अब देखिए आखिर के जो दो मिसरे हैं उसके लिए मैंने जहमत दी है आपको, तमीद बांधी, कयामत के मिसरे। गोया शायर ने समंदर को कूजों में बंद कर दिया है, और ये तभी मुमकिन होता है जब अशार फिक्र के नतीजे में नहीं, कश्फ शहूद के नतीजे में सादिर हों। जब बारगाह जहरा से अता हो तो ये मिसरे तश्कील पाते हैं। मीरनीस जब मरसिया कहते थे तो कहते थे ये मेरे मिसरे हैं, और ये जो दो बंद हैं ये बनफ्से नफीस रसूल अल्लाह ने मरहमत फरमाए हैं। ख्वाब में आकर मिसरे लगा दिए, मिसरे पे मिसरा लगाया, तो ये वो मिसरे होते हैं कि जो कश्फ के नतीजे में हासिल, शुहूद के नतीजे में हासिल हो। ये फिक्र, आप कितनी फिक्र करते रहे, मिसरे नहीं मिल पाएंगे आप। ये तभी मुमकिन है जब बारगाह जहरा से इज्न लेकर आदमी दिल और कल्ब को और रूह को और जहन को पाक करके रियाजत के बाद बैठता है। ये कलम की स्याही से नहीं लिखे जाते, ये खून जिगर से लिखे जाते हैं। अब सुनिएगा इंशाल्लाह, और आखिर के दो मिसरे मैं चाहता हूं, हक है शायर का भी और जो मिज़दाक है वो हस्ती भी, उसका भी हक है कि खिराज अकीदत ऐसी होनी चाहिए कि हिल जाए सरजमीन जौनपुर, ताकि जो जमीन के हिलने से वाइब्रेशन पैदा हो वो नजफ और मदीने की दहलीज तक पहुंचे कि मोमिनीन जौनपुर ने खिराज अकीदत पेश किया है। अब आखिर के दो मिसरे आमादा हो जाएं और संभाले वजन इन मिसरों का, पूरे खून जिगर दे के पढ़ने लगा शुरू से। शायर कहता है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, अब खामोश रहना इन मिसरों को सुनकर, इसकी इश्क की शरीयत की रूह से हराम है, हराम है खामोशी शरीयत इश्क में। कि शायर कहता है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा, और रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी जहरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा, कौन करे तेरी सना आयाए तथहीर के बाद, और कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। तवज्जो, किस में हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, और भी किरदार में हैदर के सिवा,
फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। और रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी जहरा भी ज़रूरी है मुकद्दर के सिवा। और कौन करे तेरी सना, आया तथहीर के बाद कौन दे दादे सुखन, सूरह कौसर के सिवा किसमें हिम्मत है। रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। किसमें हिम्मत है, रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। किसमें हिम्मत है, रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। जब अली के हाथों पर बयत हुई ना, तो मदीने वाले सोच रहे थे अली जाकर मदीने वालों का धन्यवाद करेंगे कि मदीने वालों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आप हजरात ने मुझे वोट दिया, मुझे खलीफा बना दिया। 25 सालों से मैं मुंतजर था, अब आपने मुझे ये मौका फराहम किया है कि ताज इख्तदार मेरे सर पर पहुंच गया और ये फतेह का सेहरा आप लोगों ने मेरे सर पे बांध दिया। इसलिए क्योंकि जब नेता जीतता है तो पब्लिक का शुक्रिया अदा करता है, इसलिए क्योंकि वो अपनी इज्जत और तौकीर में पब्लिक की वोटिंग का मोहताज होता है। जब तक जनता मतदान ना करे ना उसे इज्जत मिलती है, ना कामरानी मिलती है, ना कुर्सी मिलती है, ना कोई इसे जानने वाला होता है, ना पहचानने वाला होता है, ना मानने वाला होता है। इलेक्शन हार जाता है तो इज्जत घट जाती है, इलेक्शन जीत जाता है तो इज्जत बढ़ जाती है। कुछ वो होते हैं कि जो अपनी इज्जत में हुकूमत के इख्तदार के मोहताज होते हैं, और कुछ वो होते हैं हुकूमत अपनी इज्जत में उनकी कबूलियत की मोहताज होती है। कुछ वो होते हैं हुकूमत जिनके सर का ताज बन जाती है, कुछ वो होते हैं जो हुकूमत के सर का ताज बन जाते हैं। अली हुकूमत के सर का ताज बने हैं, हुकूमत अली के सर का ताज नहीं बनी। हुकूमत ने अली को इज्जत नहीं बख्शी, अली ने हुकूमत को इज्जत बख्शी। इमाम अहमद इब्ने हंबल मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह की नमाज अदा कर रहे थे कि मस्जिद में उसके कोने में बैठा हुआ मुसलमानों का एक गिरोह अली और खिलाफत के मौजू पर तकरीर गुफ्तगू कर रहा था। इमाम अहमद इब्ने हंबल उठे कि उनकी कबा ज़मीन पर खत दे रही थी, आगे बढ़े, उस बज़्म में जाकर बैठ गए, कहा खबरदार खिलाफत का जिक्र छोड़े तो अली का तस्करा मत करना, इसलिए क्योंकि इन्नल खिलाफता लम तवयनो अलियन बल अलियुन जीनहा। खिलाफत ने अली को इज्जत नहीं बख्शी, अली ने खिलाफत को इज्जत अता की है। अब अली के हाथों पर जब बयत हुई, सलावात पढ़ दे मोहम्मद, बयत हुई तो मदीने वाले सोच रहे होंगे शायद कि अब जाके हमारा थैंक यू करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया 25 बरस के बाद ये मौका फराहम किया है कि मैं खलीफा बन सकूं। लेकिन तारीख ने एक अजीब और गरीब मंजर दिखाया कि जब अबू तालिब का बेटा मिंबर की बुलंदियों पर गया तो लोगों की आंखों में आंखें डाल कर कहता है, लोगों खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। अली आगे बढ़े, मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा,
दुनिया ने सोचा वहां बैठ जाएंगे जहां तीसरे बैठते थे। अली और आगे बढ़े, दुनिया सोच रही थी वहां बैठेंगे जहां दूसरे बैठते थे। अली और आगे बढ़े, दुनिया सोच रही थी अब यहां बैठेंगे जहां पहले बैठे थे, लेकिन अली वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। किसी ने कोनी मार के कहा देखो तो अली की जसारत, वहां बैठे हैं जहां नबी बैठते थे। विलायत तंज बर्दाश्त नहीं करती, इस्मत के मासूम चेहरे की पेशानी पर नफरत के नखूश भरने लगे और आंखें खैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गईं। और अली ने कहा तुझे हैरानी इस पर है कि मैं वहां बैठा जहां नबी बैठते थे? अरे अली तो वो है जिसके कदम दोशे पैगंबर पे। किस में हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। खुलासा पेश करने लगा, नबी ने फरमाया फातिमा अंती उम्मू अबीहा, अंति उम्मू अबीहा। तर्जमा क्या होगा? तू बाप की भी माँ है। अंति उम्मू अबीहा, अपने बाप की माँ। ये तो हो गया जाहिरी तर्जुमा, अब इरफानी और रूहानी और मानवी तर्जुमा भी सुन लीजिए। क़िबला आप वाकिफ हैं, उम अरबी में माँ को कहते हैं ना, क्यों? इसलिए क्योंकि जो दरख्त होता है, जो शजर होता है, उसकी जो जड़ होती है उसे उम्मु शजर कहा जाता है, यानी शजर की जड़। शजर की जड़, इसलिए मां को उम कहा गया कि ये वजूद बशर की जड़ है। मां ना हो तो बेटा औलाद मुमकिन नहीं, उसका वजूद मुमकिन नहीं। जड़ ना हो तो ना तना हो, ना शाख हो, ना फूल हो, ना समरात हो, ना खुशबू हो, ना गुल हो, ना चमन हो। ये रंग बू, ये तना, ये शाखे, यानी दरख्त के वजूद, शजर के वजूद का इन्हिसार किस पर है? जड़ पर। जड़ पर है, जड़। नबी ने क्या कहा? अंति उम्मु अबीहा। इसका रूहानी मानवी तफसीर क्या हुई? तवज्जो, फातिमा तू हिदायत की जड़ है। अगर तू ना होती तो ना शाखे रिसालत होती, ना शाखे विलायत होती। अब तफसीर कर दूं इसकी। फातिमा जहरा ना नबी है, ना इमाम है, ना नबी ना इमाम। फजीलत क्या है बीबी की? फातिमा ना नबी है ना इमाम है। फातिमा जहरा की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप मसदरे विलायत हैं, मखरजे विलायत हैं, मंबए विलायत हैं। वाजे कर दूं, ज़ाते फातिमा मसदरे विलायत, ज़ाते फातिमा मसदरे विलायत। माफी के साथ, पूरी आलिमाना जिम्मेदारी, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ, ज़ाते अली मसदरे विलायत नहीं, ज़ाते फातिमा मसदरे विलायत। क्यों? तारीख ने अली के 18 या 19 बेटे बताए हैं। कितने?
18 या 19 सब इमाम नहीं है। इसलिए क्योंकि ذات علی مصدر ولایت نہیں، ذات فاطمہ مصدر ولایت، یہ امامت علی کی میراث نہیں فاطمہ کی میراث ہے۔ علی کا ہر بیٹا امام نہیں، فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے۔ دو بیٹے تھے دونوں امام، محسن زندہ رہتے محسن بھی امام ہوتے، محسن زندہ رہتے تو محسن بھی امام ہوتے۔ تو ذات سیدہ مصدر ولایت، مخرج ولایت، منبع ولایت، ہدایت کی جڑ۔ علی کیا ہے؟ علی ہے نور۔ علی کیا ہے؟ نور۔ فاطمہ ہے نورگر۔ جو علی اپنے آپ کو علی بنا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ جو علی، دیکھیے معرفت کا مقام ہے، جو علی اپنے آپ کو علی بنائے اسے علی کہتے ہیں، جو 11 علی بنا کے زمانے کے حوالے کر دے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ صفات مصطفی اور مرتضوی علی اور نبی کے ساتھ چلے جاتے اگر وجود زہرا نہ ہوتا۔ وجود زہرا نے ان صفتوں کو تسلسل بخشا ہے، قیامت تک کے لیے نبی اور علی کی صفتوں کو موت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فاطمہ کو کوثر کہا، تو کوثر کا مصداق اس لیے ہے کیونکہ تو نبی کی جملہ صفتوں کو قیامت تک کے لیے تسلسل بخشنے والی ہے۔ اولونا، آخرونا، اوسطونا، کلونا، یہ محمدیت کا سلسلہ آگے نہ بڑھتا اگر وجود زہرا نہ ہوتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اور اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوے کوہ طور بخشا، اور جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا۔ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا۔ کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، اور جہان موجود میں بنی ہے، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا، بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں۔ حضور زہرا، بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ یہ کربلا جناب زہرا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دو ہی تو شخصیتیں ایسی ہیں تاریخ اسلام کی کہ جتنے مرد ہیں وہ علی کا سرمایہ ہے،
और जितनी औरतें हैं वो फातिमा जहरा का सरमाया है, हुसैन अली का सरमाया, अब्बास अली का सरमाया, ज़ैनुल आबिदीन अली का सरमाया, अब्बास के भाई अली का सरमाया, हुसैन के जुमला भाई अली का सरमाया, अली असगर अली का सरमाया, ज़ैनब फातिमा जहरा का सरमाया, उम्मे कुलसूम फातिमा जहरा का सरमाया, फातिमा कुबरा फातिमा का सरमाया। चार बरस की सकीना, फातिमा जहरा का सरमाया। तीन हस्तियां ऐसी हैं ज़दारो जो वक्त से पहले ज़ईफ़ हो गई, तीन शख्सियतें ऐसी हैं कि जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। 18 बरस की उम्र में फातिमा बूढ़ी हो गई, 24 बरस की उम्र में सैयद सज्जाद बूढ़े हो गए, 4 बरस की उम्र में सकीना ज़ईफ़ हो गई। अजरकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम। परवरदिगार आपकी बेटियों को सलामत रखे, रब्बे करीम आपके बच्चों को सलामत रखे। लेकिन नबी का तो घर उजड़ गया। अज़ादारों मुझे नहीं मालूम ये 4 बरस की बच्ची जिंदा रही तो कैसे रही, जो इतनी मोहब्बत की आदी हो। कि कभी हुसैन के सीने पर, कभी चचा अब्बास के पास, कभी अली अकबर की आगोश में, कभी कासिम के साए में, वो सकीना जो शब आशूर घर भर की मोहब्बत का मरकज बनी रही, आज रोज़े आशूर दुनिया की नज़रें बदल गईं। अब सकीना के हाथों में बाप का दामन है, हुसैन पीछे हटते चले जाते हैं, सकीना के हाथों में बाबा का दामन मुख्तसर होता चला है। हुसैन ने कहा सकीना यतीमों की तरह जिंदा रहना। 4 बरस की बच्ची पूछती है बाबा यतीम किसको कहते हैं। कहा जब रुखसारों पर तमाचे लगने लगे, जब कानों की बालियां उतर जाएं, जब सर की रिदा छिन जाए तो समझ लेना यतीम हो गई। अज़ादारों वो वक्त असर जब सियाह आंधियाँ चली, फुरात का पानी उछला, ज़मीन में जलजला आया, किसी शकी ने सकीना के तमाचा मारा। सकीना तड़प के रो के कहती है क्या मेरा बाबा मारा गया, क्या मैं यतीम हो गई। हाँ अज़ादारों, सकीना ने बड़ा याद किया है मदीने को। अगर आप परदेश जाएं, कभी इराक जाएं, ईरान जाएं, शाम जाएं, तो आपको वतन की बड़ी याद आएगी। और कोई अगर आपको वहाँ जौनपुर का मिल जाए तो आपके दिल को ढारस हासिल होगी, आपको तकवियत पहुँचेगी। अज़ादारों, जब भी सकीना का प्यास से दम घुटता, सकीना कहती क्या तुम में कोई मदीने वाला। जब भी सकीना को कोई अज़ियत होती, सकीना कहती क्या तुम में कोई मदीने वाला। जब भी सकीना को कोई तमाचा मारती, सकीना कहती क्या तुम में कोई मदीने वाला है। मदीने को याद करते करते सकीना जिंदा ने शाम पहुंच गई और सब लौट कर आए, मगर वो 4 बरस की बच्ची लौट के ना आई, जो मदीने को याद करते करते थक के जिंदा ने शाम में हमेशा हमेशा के लिए सो। हाँ अज़ादारों, वो सकीना, कैसे बयान करूं सकीना के वो मसाइब। अज़ादारों, जब अल्लाह ने मुझे बेटी दी ना, तो मैं सोच रहा था इस बच्ची का नाम क्या रखूं। 14 मुहर्रम को अल्लाह ने मुझे बेटी अता की, चूंकि अय्याम अज़ा थे, मेरे जहन में एक ही नाम उभरा पहले पहल, सकीना।
मैंने उस बच्ची का नाम सकीना रखा। वो मेरी आगोश में परवान चढ़ने लगी जब अल्लाह ने उसे इस लायक किया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, चलने लगे। 3 या 4 बरस का उसका सिन हुआ। तो आज़ादारों, अक्सर ऐसा होता था कि मैं मजलिस पढ़ने के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, तो ये मेरी बच्ची जब देखती कि बाप घर से बाहर जा रहा है, तो ये नन्नी मुन्नी बच्ची दौड़ती हुई आती और मेरे पैरों से लिपट जाती, मेरे कदमों से लिपट जाती। अज़ादारो, जिनको अल्लाह ने बेटियां अता की हैं वो जानते हैं ये लम्हा बड़ा तकलीफ दे होता है एक बाप के लिए कि जब बेटी कदमों से लिपट जाए और आप उस बच्ची को अपने से अलग करें ये कह के, बेटी मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। बाप को मालूम होता है कि मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे जब मैं सोचता था, ऐ हुसैन, अल्लाह ने तुझे कौन सा कलेजा दिया था। अज़ादारो, सकीना कह रही है, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हुसैन कह रहे हैं, सकीना यतीमों की तरह जिंदा रहे। हुसैन को मालूम है, हुसैन सकीना को छोड़ के तो जा रहा है मगर अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मीर अनीस कहते हैं, चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, नन्ना सा मेरा दिल है, मेरा दिल ना दुखाओ, मर जाऊंगी बाबा ना मुझे छोड़ के जाओ, मैं मरती हूं बाबा मुझे सूरत तो दिख। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, सर पीटती पीछे चली जाती थी सकीना, सर पीटती पीछे चली जाती थी सकीना, सर पीटती पीछे चली जाती थी सकीना। अल्लाह किसी बच्ची को यतीम ना करे। अज़ादारों, अल्लाह किसी को वो मंजर ना दिखाए जो मंजर सकीना ने देखा। बारवा इमाम कहता, सलाम हो मेरे उस जद पर कि जब ज़िबा हो रहा था तो कोई बेटा सिरहाने मौजूद नहीं, 4 बरस की सकीना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम इमाम मजलूम के। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, दिल पे चोट लगे तो मुझे माफ कर देना। बहुत सारी ऐसी भी मेरी बहनें होंगी जिनको अल्लाह ने भतीजियां अता की होंगी। अज़ादारों, आओ मैं आपको उस फूफी के मसाइब और उसके कर्ब का इजहार करूं कि अज़ादारों, जब ये शाम पहुंची ना सकीना तो अब ज़ैनब ही हुसैन है, ज़ैनब ही अब्बास है। तो एक मर्तबा शाना हिला के सकीना कहती है, फूफी अम्मा मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, थोड़ा सा पानी मुझे मिल जाता। ऐ मेरी बहनों, जरा सोचो, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सफर हो जिसमें तुम्हारी 4 बरस की भतीजे तुमसे सवाल आप करे और तुम्हें पानी मुहैया ना हो सके, तो दिल पे क्या गुजरेगी, फूफी के दिल पे क्या गुजरेगी। अज़ादारो, जो यतीम बच्चों की माएँ होती हैं ना, उनका दिल बड़ा छोटा हो जाता है। अज़ादारो, जब हुसैन मर गए, जब अब्बास और अली अकबर मर गए, खेमे लूटे जाने लगे, खेमों को आग लगा दी गई, रिदाएं छीन ली, जालिम ने सकीना के बुंदे छीने, जब सकीना यतीम बच्ची के मुंह पे तमाचा लगा तो एक मर्तबा रबाब ने जैनब को देखा,
और चीख के कहा, ए ज़ैनब, अरे मेरी यतीम बच्ची के मुंह पे तमाचे। ज़ैनब कहती है, ए रबाब, मुझे न देख, मेरा अब्बास मारा गया। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब कहती है, रबाब मुझे न देख, मेरा अब्बास जिंदा नहीं। हाँ ज़दारे, वो सकीना एक मर्तबा कहती, जिस्म सकीना का निढाल हो चुका है, आंखों के दरमियान हलके पड़ चुके हैं, लब सकीना के खुश्क हो चुके हैं, चेहरा सकीना का मुरझा चुका है। अज़ादारों, जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक मुसलसल तमाचे खाती आ रही हो, वो सकीना जो 4 बरस की उम्र में कैदी बनी, पहले यतीम बनी, गरीब सकीना, बेवतन सकीना, यतीम बनी, असीर बनी, कैदी बनी, रिदा छीनी, मुंह पे तमाचे, कानों की बालियां, दयार बदयार, कूचा बा कूचा, ये हुसैन की शहजादी है। वो जिसके नाज़ो नखरे अब्बास उठाता था, वो सकीना एक मर्तबा कहती है, फूफी अम्मा, सांस नहीं लिया जा रहा मुझसे, थोड़ा सा पानी मिल जाता। सुनोगे अज़ादारो, ज़ैनब ने क्या कहा, मेरी बच्ची तुझको पानी पिलाने वाला फुरात के किनारे बाजू कटा के सो रहा है, अब कौन तो यतीमा पर रहम खाएगा। बाला खाने पर एक मोमिना इस बच्ची के जुमलों को सुन रही थी, ये पहचान न सकी हस्तियां कौन है। अपनी कनीज से कहती है, कनीज, ये बच्ची बड़ी प्यासी है, इसे पानी पिला दे। कनीज ने आप खोरे में पानी लिया और जाके कहती है, ए कैदी, ये बच्ची बड़ी प्यासी है, तड़प रही है प्यास से। कौसर बांटने वाले आज इतने मजबूर हो गए कि दुनिया रहम खा खा के उन्हें पानी दे। ज़ैनब पूछती है, किसने भेजा है ये पानी? कहा, बाला खाने पर मेरी मालकन ने ये पानी भेजा है। अज़ादारो, ज़ैनब कहती है, ले जा इस पानी को और जाकर कह देना, अरब के शरीफ कभी उस ग़िज़ा को कबूल नहीं करते जब तक मेज़बान सामने ना हो। अज़ादारो, कनीज जाके कहती है, बीबी कैदी देखे हैं मगर ऐसे गैरतदार कैदी, कहते हैं जब तक मेज़बान सामने ना हो पानी नहीं। अज़ादारो, मोमिना ने सर पे रिदा रखी, आप खोरे में पानी लेकर आई और आके कहती है, कैदी बड़ी प्यासी है ये बच्ची, इसे पानी पिला दे। ज़ैनब ने कहा, सकीना मेरी बच्ची पानी पी लो। सकीना के हाथों में ठंडे ठंडे पानी का लम्स महसूस, न जाने किसकी याद आ गई होगी, हाय मेरा चचा, हाय भैया अली अकबर, कासिम ओनो मोहम्मद, इसी पानी की खातिर। मोमिना कहती है, बच्ची, मैंने अपने रसूल की हदीस सुनी है कि अल्लाह यतीम बच्चों की दुआएं कबूल करता है, तू पानी पी ले, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ दुआएं कर ले। सकीना ने आप खोरे पर, ज़ैनब ने आप खोरे पर हाथ रख के कहा, सकीना मेरी बच्ची पानी जब पीना, जब इस मोमिना के लिए दुआएं मांग ले। सकीना कहती है, मोमिना, कौन कौन सी दुआएं तेरे लिए मांगू? अज़ादारो, मोमिना कहती है, बेटी दुआ मांग, मेरा शोहर परदेश गया है, खैरियत के साथ पलट आए, मेरे बच्चे यतीम ना हो। कितना डर लगता है यतीमी से, दुआ मंगवा रही है मोमिना कि मेरे बच्चे यतीम ना हो। अज़ादारो, सकीना ने नन्ने नन्ने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, शायद अर्श बड़ी हिलने लगा होगा। सकीना कहती है, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले। मोमिना का शोहर खैरियत के साथ पलट आए, इसके बच्चे यतीम ना, और कौन कौन सी दुआएं तेरे लिए मांगू? मोमिना कहती है, बेटी दुआ कर, सुनना अज़ादारो, और मुझे माफ़ कर देना। मोमिना कहती है, बेटी दुआ मांग, जैसे तू यतीम हुई है ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो।
सकीना ने यही कह के दुआ मांगी, पालने वाले जैसे मैं यतीम हुई हूं ऐसे इस मोमिना के बच्चे यतीम ना हो। और कौन कौन सी दुआएं तेरे लिए मांगू आजादारो? मोमिना कहती है बेटी दुआ मांग, अल्लाह वो घड़ी जल्द नजदीक लाए जब मैं मदीने जा सकूं। मदीने का नाम सुना तो ज़ैनब चौंकी, कौन है तेरा मदीने में, कौन है तेरा मदीने में? मोमिना कहती है कि हम मुसलमानों का सब कुछ मदीने में है, खुदा सलामत रखे आले रसूल की डेहड़ी को, खुदा सलामत रखे फर्जंद रसूल को, खुदा सलामत रखे अली अकबर की जवानी को, खुदा सलामत रखे सकीना और अली असगर को, जब मदीने जाऊंगी तो सकीना के लिए तोहफे लेके जाऊंगी। एक मरतबा जैनब ने कहा ए उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा कांपने लगी, ए बीबी तुझे मेरा नाम कैसे मालूम? और एक बात कहूं ना जाने क्यों तेरी आवाज मेरी शहजादी जैनब से बहुत। जैनब ने कहा उम्मे हबीबा अगर जैनब को देखेगी तो पहचान लेगी। उम्मे हबीबा कहती है सब कुछ दिया हुआ मेरी शहजादी जैनब का है, अरे मैं तो कनीज थी। अजादारो एक मरतबा जनाब जैनब ने कांपते हुए हाथों से चेहरे पर पड़े हुए सफेद बालों को हटा के कहा उम्मे हबीबा अरे पहचान ले जैनब को। उम्मे हबीबा ने जब जैनब को देखा बेमखनाओ चादर, एक मरतबा मदीने की तरफ रुक करके कहा या रसूल अल्लाह अरे कयामत आ गई, आपकी बेटियां बेमखनाओ चादर। जैनब कहती है उम्मे हबीबा वो देख नोके सेना पर आफ्ता इमामत, और जिस बच्ची पर तूने रहम खाया है हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीन जिसके लिए दुनिया से फानी। से आलमुल्लज़ीन ज़लम अय्या मुनक़लिबीन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिह। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बे करीम इस ज़िक्र को बतौर इबादत कबूल फरमा। फ़र्श अदा पर बैठने वाले और मजलिस सुनने वाले मोमिनीन के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जो मकरूज़ हैं गैब से उनका कर्ज अदा कर दे, जो बीमार हैं सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफाए आजला अता कर, जो फरीज जवान हैं जनाब सकीना की राहों पर चलाते हुए इज़्ज़त व आबरू के साथ उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचा दें। हमारे नौजवानों को वो तौफीक इनायत फरमा के जो तेरे हक़ की नुसरत में काम आ सकें, कोई नमाज रोज़े का पाबंद ना हो उसे शरीयत महम्मदी का पाबंद कर दें। खुदा ना खास्ता कोई इमाम मज़लूम की अज़ादारी को सुबक और हल्का समझता हुआ ज़ाय हुसैन की अज़मतों को उसके दिल की गहराइयों में रासिख फरमा दें। गैर इस्लामी ताकतों को नाबूद करार दें, परचम तौहीद और विलायत को सरबलंदी अता कर। अज़ादार जहाँ भी जा रहे तेरे हिफ्ज़ और अमान में रहें, हमारी ज़ियारत गाहों की मुक़द्दस मुकामात की हिफाजत फरमा, हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। अज़ादार रब करीम बानी मजलिस की इज़्ज़त व आबरू तौफीकात में कसीर इजाफा अता कर, इनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा, इनको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम के, हुजूर के ज़हूर में ताजील अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरा ये